अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज हम आपको मूंगफली का ठेसा बताएंगे। हमारे गांव में इसको ठेसा ही बोला जाता है, तो आप इसको चटनी बोलिए या ठेसा बोलिए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। एक कटोरी मूँगफली ली हमने, इसको भून कर रखा हुआ यहाँ पर आप देख लीजिए। और मीडियम साइज़ की हमने चार प्याज ली है, मीडियम साइज़ की चार टमाटर, और लहसुन की कलियाँ है 25 से 30, और 12 से 15 हरी मिर्च है, और नींबू जब सर्व करेंगे तब चाहिए हमको नींबू, आधा नींबू। और भी चीज़ें इसके अंदर डालते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। पहले हम लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा सा इसको तैयार करेंगे, पीस कर, फाइन नहीं करना है, दरदरा सा चाहिए हमको। और मूंगफली भी दरदरा सा इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से दरदरा सा हमने मूँगफली को पीस लिया है, तो आपको भी इसी तरह से पीसना है। मिक्सी रोक रोक कर आप पीस लीजिए, एक जैसा मिक्सी को चलाइएगा मत, एक जैसा चला दोगे तो फाइन पाउडर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हरी मिर्च, लहसुन और एक चम्मच हमने जीरा भी इसके अंदर ऐड किया था। तो इस तरह से ये दरदरा सा तैयार हो चुका है, देख लीजिए आप। एक चम्मच के करीब हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है, तो रोक रोक कर मिक्सी चला लीजिएगा, एक जैसा आप चला दोगे तो फिर फाइन तैयार हो जाएगा इसका पेस्ट, हमको फाइन नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटी गड्ढी हरा धनिया लिया है, तो खूब सारा हरा धनिया इसके अंदर डालना है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। तो आप देख सकते हो गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है, एक और आधा चम्मच तेल ऐड करेंगे, ये देख सकते हो आप। अगर आपने हरी मिर्च और लहसुन के अंदर जीरा नहीं ऐड किया होगा, आपको ध्यान नहीं होगा, तो इस समय आप जीरा इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी हम इसके अंदर पूरी प्याज हमारी ऐड कर देंगे, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। ठेसा कितना फ्राई करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है हमको इसको फ्राई। तो कर लेते हैं इसको फटाफट से, फिर दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हो इतना हमने प्याज को फ्राई कर लिया है, देख लीजिए आप। तो इतना इसको फ्राई करना है, एक मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है, ज्यादा नहीं करना है इसको फ्राई। तो इस तरह से हमने प्याज को साइड में कर लिया है, ऑयल पूरा बीच में आ चुका है, तो हम इसी तरह से करते हैं फ्रेंड, क्योंकि पहले प्याज फ्राई करना होता है अच्छे से, और बाद में इसके अंदर हरी मिर्च फ्राई करना होता है। अगर पहले हम हरी मिर्च डाल दोगे तो फिर वो जल जाएगी, फिर हमको प्याज फ्राई करना है उसके अंदर, तो फिर वो सही नहीं तरीका है। तो हम इसी तरह से करते हैं। तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर दिया है, आप आपके हिसाब से कीजिए, क्योंकि ये तीखी हरी मिर्च है, इसके लिए हिसाब से ही करना है। अभी हमारी हरी मिर्च, लहसुन और जीरा बीच में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अगर हम पहले ऐड कर देते तो फिर वो जल जाता, फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसके लिए हम इस तरह से करते हैं। इस तरह से भी बहुत अच्छा हो जाता है। अभी बहुत अच्छे से हम इस तरह से चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे, हरी मिर्च लहसुन का कच्चापन जाने तक। तो आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर हमने बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, हरी मिर्च का कच्चापन चला गया, आप देख लीजिए। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे, और अभी आप देख लीजिए कुछ भी जला नहीं है, देख सकते हो आप, हमारी प्याज भी नहीं जली, हरी मिर्च भी नहीं जली। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से सब कुछ फ्राई हो चुका है, इसी तरह से करना है आपको भी। अभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी हम मूंगफली ऐड करेंगे। अगर आपका मिक्सी में इस तरह से दरदरा नहीं होगा तो आप इसको कूट लीजिएगा, मिक्सी में मत चलाइएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और दरदरा ही रहना चाहिए सब, तभी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है, फाइन मत कीजिएगा आप। आप कूट लीजिएगा, अगर आपको मिक्सी में नहीं जमता है तो आप इसको कूट कर डालिएगा, फाइन कर दोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा फिर। अभी हम इसको पकने देंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक,
मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2-3 मिनट पकने दिया है। टमाटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो। हरा धनिया हमने धोकर कट किया है, ये ऐड कर देंगे। हरा धनिया ज्यादा ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप इसको एक बार ट्राई करोगे ना तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप बार बार इसको ट्राई करना चाहोगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। अगर आपकी कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही है तब आप इसको बना सकते हो, या अगर आपको झटपट से कुछ बनाना हो तब आप इसको बना सकते हो। इसको ट्राई करोगे ना तब आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे। रोटी राइस किसी के भी साथ में आप इसको खा सकते हो, बहुत इसका टेस्ट लाजवाब होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा हमारे तरीके से। इसको ट्राई करोगे ना तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको ये हमारा ठेसा चटनी कैसा लगा, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो गर्मा गर्म आप इसको राइस के साथ या चपाती के साथ या ज्वारी बाजरी की रोटी के साथ किसी के भी साथ में आप इसको सर्व कर सकते हो। अगर आपको ज्वारी की रोटी बनाना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। आप इसको खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे, इतना इसका टेस्ट लाजवाब होता है फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए जब आप इसको ट्राई करोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये लीजिए बनकर तैयार है मूंगफली का ठेसा या चटनी, जो भी आप इसको कह ले, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप इसको खाते समय नींबू निचोड़ कर खाइए, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और प्लेन राइस के साथ में सर्व कीजिए या चपाती रोटी किसी के भी साथ में सर्व कीजिए, बहुत इसका टेस्ट लाजवाब होता है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखा ना आपने कितना सिंपल तरीके से हमने आपके साथ शेयर किए चटनी, ये ठेसा। हमारे गांव में तो इसको ठेसा ही बोला जाता है फ्रेंड्स, तो जो भी आप इसको कह ले, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। जब आप इसको ट्राई करोगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप एक रोटी खाने के बजाय 2 रोटी ज़रूर से खाओगे, इंशाल्लाह इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है आपके फैमिली मेम्बर को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये हमारी गाँव की रेसिपी है, हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा हमारे तरीके से। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।